हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटो सजेशन वर्सेस हेट्रो सजेशन के बारे में। तो दोस्तों, आखिर ऑटो सजेशन होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो सजेशन हम अपने आप को देते हैं उसे कहते हैं ऑटो सजेशन। जैसे कि अगर आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से कह रहे हैं, वाओ आई एम लुकिंग सो हैंडसम, सो आप खुद को सजेशन दे रहे हैं और इसे कहते हैं ऑटो सजेशन। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो काफी अपसेट दिखाई दे रहे हैं ये सीन में, और वो अपने सर को बता रहे हैं कि कभी कभी उनका मन करता है कि वो सब कुछ छोड़कर वापस से अपने घर चले जाएं। और इतना ही नहीं, वो काफी ज्यादा डिप्रेसिंग भी फील करने लगे हैं। तो दोस्तों, आप इस सिचुएशन को देखकर समझ सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का जो माइंडसेट था, जो वो खुद को सजेशन दे रहे थे, वो काफी नेगेटिव था और इसीलिए उन्हें सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देंगे तो आपका आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर आप खुद को नेगेटिव सजेशन देंगे तो आपकी लाइफ में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो अब हम बात करेंगे हेट्रो सजेशन के बारे में। आखिर हेट्रो सजेशन होता क्या है? दोस्तों, हेट्रो सजेशन वो सजेशन होते हैं जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है और वो उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक पर्सन एक पार्टी में जाता है और उसको बहुत सारे लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं कि वाओ तू बहुत हैंडसम दिख रहा है, तूने काफी अच्छे कपड़े भी पहने हैं। मगर एक पर्सन ऐसा होता है जो उसे कहता है, यार तेरी जो नोज है ना वो काफी बड़ी लग रही है। और घर पे आके वो पर्सन अपनी नोज को ही देखता रहता है कि यार ये क्या हो गया मेरी नोज को, यहाँ पे क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो दोस्तों, हेट्रो सजेशन जो है वो भी आपकी लाइफ में काफी बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, आपकी पॉजिटिव लाइफ को वो नेगेटिव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमें दूसरों के सजेशंस को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और जो सजेशन हमारे लिए अच्छे हो उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए और जो सजेशन अच्छे ना हो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जब काफी अपसेट थे, वो डिप्रेसिंग फील कर रहे थे, तब उनके सर ने कितने अच्छे तरीके से उन्हें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देकर लाइफ के बारे में एकदम पॉजिटिव कर दिया। उन्होंने बोला कि लाइफ में हर एक बॉल एक समान थोड़े ना होती है, कुछ बॉल जो बाउंसर की तरह होती हैं, उन्हें आपको डक कर देना चाहिए, उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। तो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सजेशन दिया महेंद्र सिंह धोनी को। तो दोस्तों, इसी से आप समझ सकते हैं कि हेट्रो सजेशन का मतलब है जब कोई सजेशन आपको देता है और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसे कहते हैं हेट्रो सजेशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सजेशन हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, सोच समझकर खुद को सजेशन दीजिए और किसी और का सजेशन भी सोच समझकर ही एक्सेप्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।